अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, योग व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे। जनाब शुरू करते हैं जी आज का इजलास। जी मेरे सामने सैलाब मुतासरीन के लिए लगाया गया जी कैंप। राशन, चावल, चीनी, दाल और सामान, कपड़े, बिस्तर वगैरह, चादर, तरपाल, जूते, जो दोस्त जमा कराना चाहें, ये जनाब नाजमुद्दीन रोड पे। ये अगले दिनों भी जी इन्होंने 3-4 ट्रक भेजे हैं यहाँ से। अभी भी ये देखें, दिखाते हैं जी आपको। ये लोग बैठे हुए हैं सामान लेके, पैकिंग चेकिंग कर रहे हैं जी। दिखाते हैं आपको जी, ये देखो ये दोस्त है बाब जी, यहाँ पैकिंग दालें वगैरह मुख्तलिफ किस्म का खुश राशन रजाकार लोग लगे हुए हैं जी। ये 2 किलो चावल तहरीक चलाई गई है जी जामा मस्जिद रहमतुल आलमीन की तरफ से। तो ऑलमोस्ट रेडी हैं जी, गाड़ी आएंगी तो ले जाएंगे। बड़े बड़े नेक लोग हैं कार खैर में हिस्सा लेने वाले बैठी हुई है दुनिया, जिनको बस अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो वो अल्लाह के दिए हुए से खर्च भी करते हैं उसी तरह से दिल खोल के। बाकी भी तमाम भाइयों दोस्तों से अपील है कि वो जनाब आएँ और यहाँ पे अपने माली एहतियात भी जमा करा दें। ये राशन भी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, 2 किलो चावल की तहरीक भी, इनके रब्ता नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं जी। यहाँ जमा कराएँ निखैरात एहतियात वगैरह, ताकि हमारे तो मुतासरीन है बेचारे सैलाब जदगान, उनकी भी अल्लाह ताला मदद फरमाए। मसाला भी मदद उन्हीं लोगों की फरमाता है जी जो कौमें अपनी मदद आप करती हैं, जो कौमें अपनी मदद नहीं करती वो बड़ी बेहसी का ही इजहार कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, वो भी हमारे ही बहन भाई हैं। आज कसम कुर्से की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चले जी आए दुखी इंसानियत की मदद करें। क्या है कौल शख्स से, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इबादत के लिए कम न थे करोबियाँ। तो इबादत के लिए तो मखलूकात कम नहीं थी जी अल्लाह ताला की, तो इंसान को बस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया। मजबूरन आज छाए में चलना होगा, अच्छा खासा गर्म मौसम इस्लामाबाद जैसे शहर में भी हवा काम टपा हुआ। यही नाम अंडर पास जो नाजमुद्दीन को मिलाता है जी परली साइड पे, जो क्या नाम मैं भूल गया उस सड़क का, बिल्कुल पिन उसके सामने से गुजरती है वो अंडर पास है। देख लें कितना जगह को काट कूद के यहाँ से ये लोग गए पास को नहा दिया जी। अरे बर्दाश्त नहीं हो रही धूप, पसीना भी काफ़ी माशाल्लाह। चले कोशिश कर रहे हैं साए साए में रह के बचत करने की, इतनी बचत हो सके। लेट्स सी, ये देखें जी मजबूरन यहीं पे चला जा रहा है। धूप की शिद्दत हालात खराब किए दे रही है जी। जैसे चलते हैं जी दरख्तों के बीच, हालात काफ़ी मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल हालात है, बहुत जनाब। नाजमुद्दीन से जोर रोड पे जोहर रोड, हमारे पास भी माशाल्लाह से बड़ी 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 शख्सियात है। खाली रोड, राशिद मिनाज रोड, जोहर रोड और पता नहीं क्या क्या रोड की कमी नहीं है जी हमारे पास किसी भी चीज की। मुझे तुम नजर बड़ा गर्म रहने वाला मौसम है भैया। अच्छा कभी कभी ना वो हो जाता है जी, कभी ज़रा थोड़ा सा धूप नरम हो जाती है, कभी फिर सही कड़ाकेदार होती है। और आज मेरे फिर फैम साहब ने फ़ोन किया था जी, जी मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने कहा भाई यार मेहरबानी करो आज मुझे जाने दो। एक तो वो लेट थे काफ़ी, 11 बजे मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि जी रेडी हो जाए। 11 बजे मैं बैठ चुका था मेट्रो में। मैंने कहा भाई आप तुम रहने ही दो, अब हम चले चलते। ठीक है जी, ये बाइकिया वाले जनाब भाईजान, चाहे कोई शौक से पैदल चल रहा हो या मजबूरी से, इन्होंने ज़रूर हर बंदे को टी मार के पूछना है कि भाईजान मूड तो नहीं है, थोड़ा जा साड़ी सवारी भी ले लो। पहले तो मैंने जी छतरी निकाल के रखी है पीछे, तो थोड़ा पैदल सफ़र किया, काफ़ी गर्म तेज़ धूप थी। अभी यह है कि दरख्तों का साया हो गया, अल्लाह का गर्म है, मेहरबानी है मालिक की, तो उसने भी ये हमारे लिए बिल्कुल छतरियाँ हमें अनायत की हैं अल्लाह ताला ने। ये जी ये देखें जी इस्लामाबाद के लोगों के हालात, अच्छे खासे बने बनाए घरों को वो जी ओल्ड फैशन हो गए हैं, री रेनोवेट कर रहे हैं, उखाड़ पगाड़ करके नए सिरे से इन लोगों ने बनाने। बस माल है ना जी, पैसा है, बस जिसको दिया है अल्लाह ताला ने उसको खर्च करने की जगह नहीं मिल रही, तो बस लगा रहे कहीं ना कहीं खप्पे में तुंद रहा है तो लगाए जी। तो जिनके पास नहीं आए अल्लाह ताला दुआए उनको भी दे जी, बेटा हाशा दे कि भी हालात अच्छे करें।
जी दोस्ताने मोहतरम, ठीक है। मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि आज का ब्लॉग इधर ही करता हूँ एंड। तो ख्याल रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का। अल्लाह ताला आप सबको खैर खुश व खुर्रम रखे, खैर खैरियत से रखे। तो जनाब लाइक शेयर कमेंट, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में तो स्पेशली जी ना भी अच्छा लगे तो मतलब बताएं, ज़रूर अपडेट दें कि जनाब इसमें कहाँ गलती है, ताकि नेक्स्ट हम लोग ना उसको रिपीट करें। तो अब इजाज़त चाहूँगा जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।